फ्रेंड्स आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे ये गंगा जी और जमुना जी ये मिक्स होते हैं। ये त्रिवेणी संगम में नहा रहे हैं। Hey guys, good morning and welcome to the channel. सुबह के अभी बजे हैं 6 और हम सब रेडी हैं। वी आर गोइंग टू प्रयागराज अलाहाबाद विच वॉज अलाहाबाद अर्लियर और वहाँ पे हम देखेंगे संगम। संगम में शायद से नहाएंगे भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो अभी हम लोग निकलते हैं। हमारी गाड़ी आ चुकी है और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ से कुछ 125 या 130 किलोमीटर से प्रयागराज, करीबन 2.5 से 3 घंटे लगने चाहिए हमें पहुँचने के लिए। तो गाइज ये चिंटू सिंह जी है जो हमें आज प्रयागराज लेके जाने वाले हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बुलाम्बे माथे की जय। सो गाइज अभी हम रुके हैं, थोड़ा चाय नाश्ता कर लेंगे। वैसे तो आज मेरा फास्ट है, आज संकष्टी है, तो खाना मतलब चाय भी पियेंगे और कुछ नहीं, लेकिन बच्चे जो है उन लोग कुछ खा लेंगे। ये जो रास्ता है आपका बनारस से प्रयागराज जाने के लिए एकदम सुपर रास्ता है, पूरा मक्खन है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट प्रयागराज संगम पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है संगम। तो अभी हम लोग रुके हैं एक रेलवे क्रॉसिंग पे। ट्रेन जैसी गुजरती है हम लोग तो यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस जैसे हम प्रयागराज के नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ट्रैफिक भी अभी बढ़ रही है यहाँ पे, और 10-12 किलोमीटर होगी यहाँ से, ज़्यादा नहीं। तो गाइस हम लोग प्रयागराज पहुँच चुके हैं और यहीं से आगे 1.5 किलोमीटर पे संगम है। ये जो आप कुछ को दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये सब फ्लोट्स हैं, मतलब जब कुंभ मेला होता है तभी इनको इस्तेमाल किया जाता है। टैंक है, टैंक ये पानी में डाल के रोड बनाया जाता है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं संगम, मतलब संगम पे मतलब किनारे पे हैं और ये हमने बोट हायर की है। तो यहाँ से बीच संगम में जाएंगे, फिर वहाँ से नाना बिना है। तमिल है, तमिल है। तमिल है? ओहो, इतना दूर कैसे आया? काम करने आया। इतना दूर घर से, इधर अकेले रहते हो? नहीं, फैमिली है। फैमिली भी आपका यहीं पे रहता है? कितने साल से? 15-20 साल। 15-20 साल। तो अभी तमिल आता है कि नहीं आपको? क्या भूल गए? भूल गए। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आपका नाम क्या है? तमिल। नाम तमिल, तमिल नाम है। तो गाइस इनका नाम कुछ और भी रहेगा, अभी ये बता नहीं रहे, लेकिन इनको सब तमिल ही बोलते हैं यहाँ पे। तो 15-20 साल से ये फैमिली फ्रॉम तमिलनाडु यहाँ पे आए हैं और यहीं पे काम करते हैं। तो विश्वास नहीं होता है, बट देन दैट्स अ फैक्ट। समझ लगा काय बोल रहा? ऐकलं? इथे जास्ती खोल आहे पाणी, सांभाळून राहा। तो गाइस ये सामने जो आपको दिख रही है ये सब नावे, यहाँ पे रुक के यहाँ पे स्नान होता है। अभी हम बस उस तरफ पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे ये गंगा जी और जमुना जी ये मिक्स होते हैं। जाएगा पानी
गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये पानी जो आ रहा है, ये देखो ये करंट यहाँ से फोर्स में आ रही है। इस तरफ जो पानी था वो शांत था और यहाँ पे ये पानी बह रहा है यार, ये गंगा है। तो ये सामने ये गंगा है और हम लोग जहाँ से आए हैं वो जमुना था और यहाँ पे ये संगम होता है। तो ये भैया जो रो अभी कर रहे हैं, तो ये पानी का करंट का अंदाज लेके वो चप्पू चला रहे हैं। तो मतलब मानना चाहिए इट्स अ स्किल जो इतने सालों से आया रहेगा इनमें। यहाँ पे करंट्स बहुत तेज है, बहुत तेज है, मतलब यू कैन फील इट। हाथ हाथ बोल समझ गंगा यमुना सरस्वती तीनों धारा पकड़िए। सुनो आप योगेश नाम है ना, अपने मम्मी पापा नाम, अपने बेटा बेटी का नाम मंत्र बोलिए। नमो गंगे महागंगे महा कुटुंब सह परिवार त्रिवेणी स्नान फलम द्रव्यम नमस्ते। माथे में उठाओ, नारियल लगाओ दोनों जने। तो गाइस यहाँ पे ये संगम में यहाँ पे नहा रहे हैं। मैं नहाने नहीं गया, तो वाइफ और छोटी वाली मेरी बेटी। अरे बीच बीच तो गाइस अभी हम ये त्रिवेणी संगम में नहा रहे हैं, ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं बस आपको ये फील देना चाहता हूँ। नमस्ते पंडित जी। खुश रहिए बाबू जी। तो पंडित जी आपका नाम बताएंगे? हमारा नाम शंभु त्रिपाठी, प्रयागराज संगम। ओके, तो आप पंडित हो लेकिन आप यहाँ पे कौन सी क्रियाएं करते हो? यहाँ पिंड दान का विधि होता है, यहाँ गंगा पूजा होता है, यहाँ बेणी दान होता है, महाप्राचित संकल्प होते हैं, सर्व दोष काल दोष मृत दोष का सबके यहाँ निवारण होता है, भस्मी होता है, ये सब यहाँ विधि पूजा किया जाता है। कितने लोग आते हैं? यहाँ बहुत लोग आते हैं, यहाँ कोई गिनती नहीं। यहाँ कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, माघ मेला, मकर संक्रांति का मेला, अमावस्या का मेला, ऐसे यहाँ अनेक पर्व लगते हैं। तो ये जो स्थान है प्रयागराज संगम,
इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि दर्शन किए अनेक फल मज्जन से तर जाए, जो पग पड़े प्रयाग में कोटिन पाप बिलाए, ऐसा तीर्थ है कि यहाँ सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मोक्षदायिनी गंगा, ये गंगा में जो एक बार स्नान कर लेता है उसके जीवन कृतार्थ हो जाते हैं। यमुना यहाँ ध्यान रूपी, वैराग्य रूपी, तप रूपी यमुना जी यहाँ स्थिर है, यहाँ तपस्या कर रही है यमुना जी। और सरस्वती ज्ञान रूपी माता ये अपार फल देती है। तो यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का विश्व का महान संगम प्रयागराज माना गया है। तो इस जगह का कुछ इतिहास बताएंगे आप? जगह का इतिहास ये बहुत पौराणिक इतिहास है। यहाँ ये दस में यज्ञ हुआ, यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, भगवान विष्णु ने यहाँ से ही संसार का निर्माण किया। ये निर्माण क्षेत्र है प्रयागराज। यहाँ सब गुरु महात्मा संत योगी पुरुष सब यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपना भी भला करते हैं, जगत का भी भला करते हैं। सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ प्रयागराज माना गया है। जैसे मुसलमान अपने मस्जिद में मंदिर मदीना में जाता तो उसको जन्नत मिलता है, उसी प्रकार सनातन धर्मी जब प्रयागराज में आता तब उसको यहाँ मुक्ति और शांति मिलता है। तो आपकी बात सही हो और हमारे में भी जिंदगी में मुक्ति और शांति मिले, यही हम प्रार्थना करते हैं। आपने प्रयागराज के यात्रा परिवार के साथ में किया है, इसका अटूट फल अनंत फल है, ये आपको जीवन भर मिलता ही रहेगा। आप प्रसन्न रहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे संसार को बधाई देते हैं। खुश सुख शांति बनी रहे, हर आदमी के पास सुख शांति विद्या रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। शुक्रिया पंडित जी, जय गंगा। आशीर्वाद लेते हैं आपका। सर्वासादिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी देवी नारायणी नमस्तुते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरी चंदन स्महा पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यम लक्ष्मी वसत सर्वदा। सुखी रहिए। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, पूजा पाठ हो गया, स्नान भी हो गया और आप देख सकते हो ये करंट इतने स्ट्रांग है कि लिटरली इनको मनूवर करना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, ताकि ये करंट्स क्रॉस करके जहाँ पे हमको उतरना है वहाँ पे ये बोट जाए। सो इट्स क्वाइट अ टास्क। ये दोस्तों अभी हम साइड से आए और ये सामने जो दिख रहा है आपको ये करंट है। अभी ये करंट का वो फ़ायदा लेके ये उस तरफ जाएंगे, सो दैट वी रीच एग्जैक्टली जहाँ पे हमको पहुँचना है। तो गाइस हम लोग किनारे पहुंच चुके हैं, धूप बहुत तेज़ है, बहुत गर्मी हो रही है, तो अभी जाते हैं, अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग। हम संगम से निकल चुके हैं और अभी जाएंगे यहाँ पे इलाहाबाद किला है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे ये ज़्यादा दूर नहीं है, देखिए सामने नज़दीक है, संगम के पास भी सामने। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, दिस इज़ इलाहाबाद फोर्ट, का नाम इलाहाबाद फोर्ट हुआ करता था, मतलब अभी भी है। और यहाँ पे ये अक्षयवट मंदिर भी है। कई सभी हमारे दर्शन यहाँ के हो चुके हैं, मैं अंदर आपको कुछ वीडियो दिखा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अभी मैं बाहर आया हूँ मंदिर के और यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं, चलो फिर मिलते हैं अगले लोकेशन पर। तो कई जैसे मैंने कहा था ये मंदिर एक किले के अंदर है, इलाहाबाद किले के अंदर, तो इसका ये आने का मार्ग है यहाँ से। ये वो किला है, अभी काफ़ी धूप है और बच्चे भी साथ में, नहीं तो मैं अंदर जाना था मुझे, लेकिन अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से आपको दिखा लेता हूँ मैं। सो दिस इज़ बेसिकली अकबर का फोर्ट है, दिस वॉज अंडर द रूल ऑफ अकबर। अभी हम ये किले से निकल रहे हैं, जैसे मैंने कहा मुझे ये किला आपको अंदर से दिखाना था,
लेकिन धूप काफ़ी तेज़ है और बच्चे वैसे ही परेशान हैं, तो मैं तुम्हें देखता हूँ, अगर रेफरेंसेस के लिए कुछ इमेजेस मिलते हैं तो वो मैं आपको पोस्ट करूँगा ये वीडियो में। गाइस ये किले के पास में ये संकट मोचन का मंदिर है, तो गाइस मैं जिसे कह रहा था हम लोग आए थे हनुमान जी मंदिर, इसे बड़े बड़े हनुमान जी भी कहा जाता है, और यहाँ पे भी अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अभी हमने दर्शन ले लिए। अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं, तो इन्हें कहा जाता है बड़े हनुमान जी, जो संगम है उसी के पास में एक किला है जहाँ पे राम मंदिर है, और उसी के पास में ये हनुमान जी का मंदिर है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम पहुँचे हैं आलोपी माता मंदिर, तो गाइस हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, तो ये मंदिर का नाम है श्री आस्था दश महादेश्वरी शक्तिपीठ। गाइस अभी हम रुके हैं यहाँ पे लंच करने के लिए, लंच मतलब मेरा तो व्रत है, संकष्टि है, तो मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ लेना पड़ेगा, तो वहीं पे खा लेंगे, और हम लोग देखते हैं यहाँ पे व्रत के लिए कुछ मिलता है क्या खाने के लिए। तो वी आर एट दिस बसवारी फैमिली रेस्टोरेंट, तो गाइस खाना हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ से निकले, तो आज व्रत है इसके लिए हमने आलू फ्राई करा के लिया हम लोग से, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, तो चलो फिर देखते हैं, अभी तो कहीं रुकना नहीं है, अभी सीधा रूम पे जाने वाले हैं। सो गाइस अभी शाम के 8:30 बज रहे, तो हम शाम को ही आ गए थे प्रयागराज से, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया वो टाइम पे, और फिर आ गए रूम पे, फिर आराम किया क्योंकि बहुत थके हुए थे, सुबह बहुत जल्दी उठे थे 4 बजे, तो अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए। डिनर मतलब सिल्वर स्पून करके इनका रेस्टोरेंट है, इस होटल का ही है, उन्हीं का है, तो वहीं पर हम जा रहे हैं डिनर के लिए। तो गाइस पिछले 4 दिनों से हम इस होटल में ऊपर नीचे जा रहे हैं, वी आर ऑन द सेकेंड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर पे इनकी एक स्पेस है जिसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है, मतलब आप यहाँ पे चिल कर सकते हो, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो चलो फिर जाते हैं हम लोग अभी सिल्वर स्पून फॉर आवर डिनर। गाइस खाना हो चुका है, सॉरी मैं शूट नहीं कर पाया, तो खाने में था पनीर लबाबदार, मलाई कोफ्ता और मटर नान और बटर रोटी, साथ में हमने वेज पुलाव लिया था,
फूड इज रियली वेरी टेस्टी हो गया, मतलब पिछले 3-4 दिन से हम लोग यहाँ पे थी, चौथी बार आ रहे हैं. फूड इज़ वेरी गुड एंड इवन द प्राइस इज क्वाइट रीजनेबल. द एम्बियंस इज गुड एंड देयर इज ऑलवेज द म्यूजिक जो रहता है यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, मज़ा आता है. तो चलो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एंड ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए. टेक केयर, गुड नाइट.